हार के मुंह से छीनी ये जीत भारतीय टीम ने। और क्या है कनेक्शन T20 वर्ल्ड कप का भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच का, इन सारे चीजों पे हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक शानदार मैच, जैसा कि आपने देखा होगा कल भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, और ऐसा मैच जिसमें लग ही नहीं रहा था कि शायद भारत अंत तक ये मैच जीत जाएगा, लेकिन जिया चमत्कार और सभी ने किया नमस्कार। सबसे पहले तो मैच की अगर मैं ब्रीफिंग बताऊं आपको संक्षिप्त में, एक शानदार शुरुआत की थी गेंदबाजी में श्रीलंका ने, 48 पे 5 विकेट ले लिए थे भारत के। ऐसे में लग रहा था कि शायद 100 रन न बना पाए भारतीय टीम, लेकिन जी नहीं, शुभमन गिल फिर से खड़े हो गए, जिनको देखा गया है कई बार वो अगर खड़े हो जाते हैं तो सिंगल डबल के साथ लगातार इनिंग को बढ़ाते रहते हैं, ये उनकी खास बात है। 39 रन बनाया, बहुमूल्य थे उन 137 में। रियान पराग ने भी अच्छा साथ दिया, 26-25। वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर अगर देखा जाए तो इस समय टीम में, अगर T20 में, तो मेरे ख्याल से वाशिंगटन सुंदर बेस्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में 137 रन बनाया भारत ने, और लग रहा था कि बहुत ज्यादा नहीं स्कोर, क्योंकि श्रीलंका सामने से बहुत अच्छा अटैकिंग कर रही थी, उनके रन बहुत अच्छी तेजी के साथ आ रहे थे। एकाएक उनके जब विकेट गिरने लगे और वो दबाव में झेल नहीं पाए और मैच भारत ने जीत लिया। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बताया क्यों है कनेक्शन T20 वर्ल्ड कप का 29 जून को खेले गए बारबाडोस में मैच का, मैं आपको बताना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका और भारत का मैच चल रहा था, फाइनल मैच था, और ऐसे में जीत के लिए 30 रन 30 गेंदों में चाहिए थे, और उस समय साउथ अफ्रीका के केवल 4 ही विकेट गिरे थे। ऐसे में सबने ये आशा छोड़ दी थी कि शायद भारत मैच जीत जाएगा, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा को विश्वास था, उनको अपने गेंदबाजों पर विश्वास था, 6 विकेट था साउथ अफ्रीका के, लेकिन वो मुकाबला जीत नहीं पाए। और ऐसे में अगर आपने कल वो जो मैच देखा होगा, एक समय श्रीलंका 30 रन चाहिए था उनको 30 गेंदों में, और उनके पास तो 9 विकेट थे, लगा कि अब श्रीलंका मैच जीत जाएगी, लेकिन क्या कमाल की बॉलिंग की है। और दिन भी होता है क्रिकेट में, देखिए कल सूर्या ने 2 विकेट लिया, रिंकू सिंह ने 2 विकेट लिया, और ऐसे में यही तो होती है कि आप क्रिकेट में हर एक पल हर एक मोमेंट को आप जान लगा देते हैं, और 30 में 30 बनने नहीं दिया, और इस मुकाबले को हालांकि सुपर ओवर में गया था, टाई तो हो गया था, लेकिन सुपर ओवर में एक बार फिर बॉस साबित हुई भारतीय टीम, और इस तरीके से मुकाबले में ये जीत कर 3-0 से इस श्रृंखला को अपने नाम किया। तो T20 वर्ल्ड कप की याद आ गई इस मैच को देखते हुए, क्योंकि ऐसा ही मैच वो भी था जिस तरीके से श्रीलंका लगातार आखिरी पायदान पे जा रही थी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके और सब्सक्राइब करके।